क्या आपके शॉर्ट्स को भी जीरो व्यूज आते हैं? क्या आपके शॉर्ट्स एक पर्टिकुलर व्यूज पे ही फिर जाते हैं? या कुछ के शॉर्ट्स तो यूट्यूब फीड में ही नहीं जाते? तो वाई फियर 11 प्रजी फियर, ये वीडियो देख के आपके शॉर्ट्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के अभी एक बुक एंड पेन लेके बैठो एंड वीडियो अच्छे से देख के टिप्स नोट डाउन करके अप्लाई करो। यस, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि देखो गाइस, मैं बाकी क्रिएटर जैसा नहीं हूँ कि मुझे व्यूज मिल रहा है, मेरा चैनल मोनेटाइज है, पैसा आ रहा है तो मैं खुश हूँ। नहीं, मेरी असली खुशी है खुद का चैनल ग्रो करने के साथ आप सबका चैनल ग्रो करवाने में। और अगर आप YouTube को लेकर सीरियस हो तो बुक पेन लेके बैठो और ये वीडियो में बताने जाने वाली पॉइंट शॉर्ट्स में नोट डाउन करके रखना है और आपके चैनल पे अप्लाई करना है। तो चलो पूरा वीडियो देख के साथ में सीखते हैं शॉर्ट चैनल ग्रो कैसे करना है, जीरो व्यूज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और बाकी जो सीरियस नहीं है वो वीडियो बंद करके जा सकता है। मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता, वैल्यू एड करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो अगर आपके ऑलरेडी कुछ सब्सक्राइबर है उसके बाद भी जीरो व्यूज आते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि ऑडियंस ने आपके शॉर्ट्स देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। अरे प्रजबे, अगर शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे तो ऑडियंस शॉर्ट्स देख के ही सब्सक्राइब करेगी, तो उसमें नई बात क्या है? बिल्कुल गाइज, ऑडियंस आपको सब्सक्राइब तो करती है लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करती, क्योंकि आपने कभी नोटिस शायद से नहीं किया है। जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं तो उनके यहाँ सिर्फ सब्सक्राइब का बटन आता है, यूट्यूब ने अभी तक बेल नोटिफिकेशन का अभी तक ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है शॉर्ट्स वालों के लिए। और यही रीजन की वजह से जब भी आप कोई न्यू शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो ऑडियंस के पास आपके शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता तो उनको कैसे पता चलेगा आपने शॉर्ट्स डाली है? और उनको पता नहीं चलेगा तो आपके व्यूज नहीं आने वाले, और इसीलिए आपके अच्छे सब्सक्राइबर होने के बाद भी अच्छे व्यूज नहीं आ पाते। चलो इसका सॉल्यूशन भी बता दे। तो शॉर्ट्स चैनल वालों के पास एक बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है जिसका वो उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। उसके पहले एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इतना तगड़ा होने वाला है जो आपका यूट्यूब करियर चेंज कर सकता है। ऑलराइट, वो ब्रह्मास्त्र है कम्युनिटी पोस्ट। जी बिल्कुल सही सुना, कम्युनिटी पोस्ट। गाइस, लॉन्ग कंटेंट के क्रिएटर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो शॉर्ट्स क्रिएटर का जो कम्युनिटी पोस्ट होता है हमेशा वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी रीच काफी ज्यादा होती है। आप खुद देख लेना या आप खुद भी चेक कर लेना, जिनका शॉर्ट चैनल है ना उनका कम्युनिटी पोस्ट की रीच काफी ज्यादा होती है लॉन्ग कंटेंट के क्रिएटर के हिसाब से। सो आपको कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ डेली के पोस्ट डालने, और जब भी आप कोई न्यू शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे तो हमेशा आप कम्युनिटी पोस्ट से आपके शॉर्ट्स प्रमोट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप शॉर्ट्स वीडियो प्रमोट करोगे कम्युनिटी पोस्ट से तो हमेशा कुछ हुक्स वर्ड का वगैरह भी यूज किया करो। अरे प्रेस भी, हमारे तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, हम तो न्यू क्रिएटर, तो हम कैसे जीरो व्यूज से छुटकारा पाए, हम क्या करें? वो भी बताऊंगा, उसके पहले वीडियो के एंड में वायरल जाने के लिए कितने सेकंड की शॉर्ट्स बनानी चाहिए वो भी बताने वाला हूँ, सो वॉच टिल द एंड। तो गाइस, जिनका न्यू चैनल है या जिनके सब्सक्राइबर ही नहीं है उनका जीरो व्यूज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। यस, बिल्कुल सही सुना, आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब गाइस, आप एटलीस्ट 15-20 शॉर्ट्स अपलोड नहीं करते तब तक ये माइंड में बिल्कुल मत सोचो कि मेरे जीरो व्यूज ही आ रहे हैं, या मेरा चैनल फ्रीज हो चुका है, या मेरी शॉर्ट फीड में वीडियो जा ही नहीं रही है। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, एटलीस्ट 15-20 शॉर्ट्स आपको अपलोड करना ही है। और जब भी आप 2-3 शॉर्ट्स अपलोड करोगे उसके बाद गाइस आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं आपके शॉर्ट्स में, अच्छे से चेक करना है क्यों आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो व्यू स्वाइप अप रेशियो वगैरह कम हो रहा है या क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्यू स्वाइप अप रेशियो कैसे इंप्रूव करें। लेकिन आपको हर 2-3 शॉर्ट्स के बाद कैसे इंप्रूव करना है, चाहे थोड़ी कीवर्ड्स वगैरह ज़्यादा ऐड करके देखो या कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना, तो डेफिनेटली गाइस आपके शॉर्ट्स काफ़ी जल्दी भी शॉर्ट फीड में जाएंगे और जीरो व्यूज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर नहीं होता तो एटलीस्ट गाइस आग बंद करके 15-20 शॉर्ट्स तो डालना ही है, उसके बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। गाइस आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जो आप बिल्कुल नहीं रखते। लोग 4-5 शॉर्ट डाले नहीं और इंस्टा पे मुझे आके मैसेज करते प्रजबे मेरा चैनल फ्रीज हो चुका है, जीरो व्यूज आते। एटलीस्ट 15-20 शॉर्ट्स तो डालो, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होगी। अगर नहीं हुआ तब आप मुझे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं या मेरे एडमिन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली निकालने का ट्राई करेंगे। लेकिन प्रजबे कुछ ऐसी ट्रिक नहीं है कि स्टार्टिंग से हमारे जीरो व्यूज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो गाइस डेफिनेटली एक ट्रिक है जिसको मैं इनिशियल बूस्ट नाम दिया हूँ, जो आपने मेरे ये वाले वीडियो में भी देखा होगा। तो एक्चुअल में अभी भी आपको नहीं पता इनिशियल बूस्ट देते कैसे, इनिशियल बूस्ट होता क्या है? तो गाइस सिंपली आपको आपके दूसरे वाले अकाउंट से आपकी शॉर्ट्स वॉच करनी है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो गाइस आपको दूसरे वाले अकाउंट में आना है और वहाँ आपका चैनल सर्च करना है। अगर चैनल सर्च करने पर नहीं आता तो सिंपली चैनल की URL है वो जस्ट कॉपी करके पेस्ट करो और वहाँ से आपकी एक शॉर्ट्स देखो। जैसे पूरी शॉर्ट्स आप एक बार देख लोगे उसके बाद फिर से वही शॉर्ट्स देखनी है, उसके बाद आपको फिर से आपका चैनल ओपन करना है और कोई दूसरी शॉर्ट्स देखनी है। लेकिन आपको याद रखना है गाइस, ये तरीका मात्र आपको 2-3 ID से ज़्यादा नहीं करना है।
और आपको एक अकाउंट से दो से ज्यादा बार बिल्कुल शॉर्ट्स नहीं वॉच करनी है। अगर आप बार बार शॉर्ट्स खुद की वॉच करोगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम को समझ आ जाएगा कुछ तो गड़बड़े और आपके चैनल को फ्रीज भी कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग कम ही करो, ज्यादा मत करो, और ये करने के बाद डेफिनेटली आपका जीरो व्यूज का प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की उसके बाद भी जीरो व्यूज आ सकते हैं और उसके पीछे का रीजन है व्यू स्वाइप अप रेशियो। तो गाइस फिर से ट्रेन को पीछे लेके जाते हैं, बैक टू बेसिक, हाउ टू इंप्रूव व्यू स्वाइप अप रेशियो। नंबर 1, यूज हुक वर्ड। अगर आप वॉइस ओवर शॉर्ट्स बनाते हो तो स्टार्टिंग में गाइस कुछ हुक वर्ड का यूज किया करो, जैसे कि क्या आपको बताए, ये शॉर्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे, ये नहीं देखा तो क्या देखा। लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ हुक वर्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर ये आपके कंटेंट से मैच करता है तो आप इसका यूज कर सकते हो या खुद के कुछ हुक वर्ड बना सकते हो। नंबर 2, साउंड इफेक्ट स्ट्रेटेजी। आपको आपके शॉर्ट्स पे फर्स्ट टू सेकंड में कुछ तो साउंड इफेक्ट का यूज करना है, जैसे कि काफी बड़े क्रिएटर वूश पॉप या ऐसे कुछ साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं, और इसमें से कोई भी साउंड इफेक्ट आपको आपके फर्स्ट टू सेकंड में ऐड करना है, जिससे ऑडियंस जब भी आपके शॉर्ट्स पे आएगी तो उनका अनकॉन्शियसली जो स्वाइप अप करने का पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताओ कि आप भी शॉर्ट्स देखते टाइम स्वाइप अप करते हो या नहीं। बाकी ये सारे साउंड इफेक्ट मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ गाइस, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर आपको शॉर्ट्स ग्रो करने में काफी हेल्प करते हैं जो मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताने वाला है। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे क्लिक करना है। और हाँ गाइस, आई होप आप बुक में कुछ कुछ चीजें नोट डाउन कर रहे हो जो मैंने अभी तक बताई है। सब कुछ तो कर लिया उसके बाद भी जीरो व्यूज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, मतलब कि गाइज आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल सही सुना गाइज, देखो मेहनत काफी लोग करते हैं लेकिन अगर सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे मिलेगा। और उसके बाद आप भी आपकी किस्मत को ही दोष देके बैठे रहोगे, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब साथ नहीं देता है ना ऑल। और कम मेहनत में अच्छे व्यूज चाहिए तो ट्रेंडिंग टॉपिक से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन काफी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि प्रज भाई हम ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तो देखो गाइस, इस पे एक मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में मुझे हर कैटेगरी के ट्रेंडिंग टॉपिक बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आप ट्रेंडिंग टॉपिक इजीली फाइंड कर पाओगे। जैसे कि अगर आपका आर्ट चैनल है तो आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट फेस्टिवल। जैसे कि कोई नया फेस्टिवल आ रहा है तो उसके रिलेटेड आपको आपका आर्ट बनाना है, और जिस दिन वो फेस्टिवल होगा उसके एक दिन पहले शॉर्ट्स अपलोड करनी है, उसकी वजह से आपकी वो शॉर्ट्स वीडियो डेफिनेटली वायरल जा सकती है। ऐसे स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट शॉट या फुटबॉल शॉट्स अपलोड करते हैं, मैंने देखा है वो लोग काफी पुराने वाले शॉट्स को ही अपलोड करते हैं, स्पेसिफिक प्लेयर पे ही करते हैं। उससे अच्छा आपको भी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो अगर आप आईपीएल के जो मैचेस चल रहे, जैसे कल जो मैच हुई उसके रिलेटेड आप अगले दिन शॉर्ट बना रहे तो डेफिनेटली आपकी वो शॉट भी काफी इजीली वायरल चली जाएगी, या एटलीस्ट अच्छे व्यूज तो आई जाएंगे जिससे जीरो व्यूज तो नहीं आएंगे। और ऐसे आप चाहे गेमिंग कैटेगरी से हो या कोई भी कैटेगरी से हो, आपको हमेशा ऐसे कुछ क्रिएटर को ढूंढना है जिनके सब्सक्राइबर कम है लेकिन उनके व्यूज काफी बढ़िया, तो वो कौन से वीडियो डाल रहे, क्या आप भी वो वीडियो डाल सकते हो या उसके सिमिलर टॉपिक पे वीडियो डाल सकते हो, खुद के कुछ फ्लेवर वगैरह ऐड करके उससे तगड़ी वीडियो बना सकते हो। अगर ऐसी एश्योरिटी है तो आप भी वैसे वीडियो डालो तो डेफिनेटली आपके भी अच्छे व्यूज आएंगे ही आएंगे। और यही सिंपल फॉर्मूला मैंने भी काफी 30 डे शॉर्ट चैलेंज के लिए यूज किया था, एक तो ट्रेंड को पकड़ो या कुछ ऐसा बनाओ जो ट्रेंड हो जाए। और ये सब करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए डेफिनेटली आपके 15-30 डेज तो जाएंगे जाएंगे। इसलिए गाइस मैं हमेशा कहता हूँ कि नाराज मत होया करो, चाहे व्यूज आए या ना आए, आपको पेशेंस रख के वीडियो अपलोड करते जाना है और एनालिस करते जाना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म का गेम है, अगर किसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाते तो डेफिनेटली वो डेढ़ भी काफी जल्दी होने वाला है, और अगर आपको धीरे धीरे सक्सेस मिल रही है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक काफी बढ़िया सस्टेन करने वाले हो और आपका चैनल लॉन्ग टर्म तक काफी बढ़िया ग्रो होने वाला है। तो अभी सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल, प्रज भाई कितने ड्यूरेशन की शॉर्ट्स अपलोड करूँ, वायरल जाने के लिए 30 सेकंड की शॉर्ट अपलोड करूँ, 50 की करूँ या 10 सेकंड की करूँ। तो भाई देखो, इट्स माय बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप 20-30 सेकंड के बीच की शॉर्ट्स अपलोड करते हो, 20-30 सेकंड की, तो आपके वायरल जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आई रिपीट, वायरल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 सेकंड की शॉर्ट्स डाल रहे हो या 40-50 सेकंड की डाल रहे हो तो आप वायरल नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन मैंने काफी शॉर्ट्स क्रिएटर को देखा है, वो भी 20-30 सेकंड के बीच की शॉर्ट्स ड्यूरेशन वाली शॉर्ट्स डालते हैं। आप जो भी शॉर्ट्स डाल रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि सारे शॉर्ट्स की ड्यूरेशन लगभग सेम हो। ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, खुद के चैनल पे भी और बाकी चैनल पे भी। और इसके पीछे का एडवांटेज ये होता है, जैसे आप 20 सेकंड की शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो काफी इजीली ऑडियंस उसको दो बार तो देख ही लेगी, अगर दो बार देखेगी तो आपका 200% का ऑडियंस रिटेंशन होगा, जो काफी नेक्स्ट लेवल है, जिससे आपकी शॉर्ट्स काफी इजीली अच्छे व्यूज ला सकती है, वायरल भी जा सकती है।
और हाँ गाइस, ये सुनने के बाद कुछ लोग सोचेंगे अरे प्रज भाई मैं तो 5-10 सेकंड की शॉर्ट्स बनाता हूँ तो उसमें तो मेरा इजीली 300-400% का ऑडियंस रिटेंशन होगा और मेरी वीडियो वायरल जाएगी। दैट इज रॉन्ग गाइस, ऐसा नहीं होता है। हाँ कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक आप अपलोड करोगे तो 5-10 सेकंड की शॉर्ट्स भी वायरल होती है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है यूट्यूब उसको ज्यादा पुश नहीं करता है अगर वो ट्रेंडिंग टॉपिक ना हो तो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप कोई तो एक ही शॉर्ट ड्यूरेशन पकड़ो 20-30 सेकंड के बीच की, या अगर आप 45-50 सेकंड की शॉर्ट डाल दे और उसमें ऑडियंस रिटेंशन 60% भी आ जाता है ना गाइस, तो भी आपकी वीडियो वायरल जाती है क्योंकि उसमें आप काफी बड़ी शॉर्ट डाल रहे हो। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसा वर्क करता है। तो गाइस यूट्यूब एल्गोरिथम इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, हम हमेशा इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने बताया वो डेफिनेटली आपके साथ वर्क करेगा। बाकी अगर आपको 30 डेज में शॉर्ट्स ग्रो करना है तो क्लिक करो ये वाली वीडियो पे।